नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आरएमबी एक्सप्लोर और इस मुंडे दा नाम है जिराजी। तो अभी हम हैं लाल दरवाज़ा। अब लाल दरवाज़ा बोले तो खूनी दरवाज़ा। जी हाँ, आज हम खूनी दरवाज़ा के पास पहुंच गए हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है खूनी दरवाज़ा। दिल्ली शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये दरवाज़ा बना हुआ है। एक साइड में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, तो दूसरी तरफ रोड है जहां पर साधनों का आवागमन रहता है, और उनके बीचों बीच में बना हुआ है ये लाल दरवाज़ा, यानी कि खूनी दरवाज़ा। तो इस खूनी दरवाज़ा भी अपने आप में काफ़ी इतिहास समेटे हुए है। खूनी दरवाज़ा इसका नाम क्यों पड़ा, इसकी अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि ये जो दरवाज़ा है, ये खून से सना हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को फांसी भी दी गई थी और उनको गोली भी मार दी गई थी। तो फिलहाल एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून दोस्तों। ये वो बिल्डिंग है जिसका नाम है खूनी दरवाज़ा। वैसे देखा जाए तो ये एक दरवाजे की शेप में होता है, जिस तरीके से पहले के ज़माने में गांव में या शहरों में जो दरवाजे हुआ करते थे, सेम वैसा ही दरवाज़ा ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके फ़िलहाल जो गेट है वो गेट बंद कर रखे हैं। काफ़ी टाइम से बताया जाता है कि ये गेट बंद है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अंदर झांक के यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। दिल्ली शहर के बीचों बीच ये दरवाज़ा स्थित है। तो यहाँ पर ये दरवाज़ा अपने आप में काफ़ी सच्चाई, काफ़ी गुप्त बातें समेटे हुए है। ये काफ़ी इतिहास बयां करता है। दोस्तों बताया जाता है कि जब पहले बारिश हुआ करती थी, तो इस दरवाजे की जो छत है, उस छत से खून की बूंदें टपका करती थी। खून की बूंदें इसलिए टपका करती थी कि इसके ऊपर या इसके आसपास या ऊपर काफ़ी लोगों का कत्ल किया गया था। तो इस वजह से इस दरवाज़ा जो है, इस दरवाजे की छत से खून टपका करता था। दिल्ली में घूमने की कई जगहें हैं, साथ ही कई स्मारक भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन स्मारकों में दिल्ली का खूनी दरवाज़ा भी शामिल है। खूनी दरवाजे के आसपास का माहौल बहुत सुकून देने वाला नहीं है, और सूर्यास्त के बाद यहाँ आपको डर भी लग सकता है। अपने भयानक नाम के अनुरूप यह भूतिया कहानियों से जुड़ी राष्ट्रीय राजधानी के कई स्थानों में से एक है। दिल्ली में स्थित यह खूनी दरवाज़ा बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के पास स्थित है। शूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने फिरोजाबाद के लिए इस दरवाज़े को बनाया था। हालांकि पहले इसे काबुली बाज़ार के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम काबुली इसलिए रखा गया था क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाले लोग इसी दरवाज़े से होकर गुजरा करते थे। यह खूनी दरवाज़ा क्वार्टर जॉइंट पत्थर से बना है। यह 3 मंजिला दरवाज़ा है जिसमें सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाया जा सकता है। बहादुर शाह जफर ने अपने 3 राजकुमारों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, लेकिन अंग्रेज़ों को इस जगह के बारे में पता चल गया और उसके बाद मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही अंग्रेज़ों द्वारा 3 राजकुमारों को भी समर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन 3 राजकुमारों को बताया गया था कि उन्हें लाल किले ले जाया जाएगा और वहाँ उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर उनका विद्रोह में योगदान साबित नहीं हुआ तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। विलियम हडसन 3 राजकुमारों को बैलगाड़ी से बांधकर लाल किले की तरफ लेकर गए थे, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। लोग राजकुमारों की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देख विलियम हडसन ने 3 राजकुमारों के पहले तो कपड़े निकलवाए और उसके बाद सरेआम उनको गोली मार दी, जिसके बाद से भी इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा रखा गया था। मुग़ल साम्राज्य में शवों को गेट पर सड़ने और पक्षियों द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। अंतिम मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम कर इसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया था। गेट के पास खूनी हिंसा की एक और घटना 1857 के दौरान, जब ब्रिटिश नेता विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के 3 राजकुमारों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन 3 राजकुमारों के बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा सुल्तान और बहादुर शाह जफर के पोते अबू अबूबकर शामिल थे। इस दरवाजे पर 1947 के विभाजन के दौरान ही
इसी दरवाजे सैकड़ों शरणार्थियों की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात को चीखे निकलने की आवाज भी आती है और यहाँ मारे गए लोगों के भूत आज भी इस इलाके में घूमते हैं या रहते हैं। इस दरवाजे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मानसून के समय में इस दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपका करती थी। हालांकि इस दावे को साबित करने के लिए वर्तमान में कोई सबूत नहीं है। तो इसका इतिहास मैंने आपको बारीकी से बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा यार। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये चीज़ अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा यार। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि यार खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है।